सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे फेस करने को मिली वो था, मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि हम इंडियंस के अंदर एक बड़ी गंदी चीज देखने को मिलती है, वो है जरूरत से ज्यादा शर्म। हम शर्माते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। जयहिंद, विराग ब्लॉग के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। कल मैंने वीडियो में आपको अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप दिखाया था, जहां पर मैंने आपको हेलमेट के बारे में बताया था कि माउंट कौन सा है, चेन माउंट मैंने कहां से लिया, तो उसी में मैंने आपको JBL के माइक के बारे में बताया था। तो आप उस माइक को ऑर्डर मत करिएगा, इस वीडियो को देख लीजिए, पहले मेरा एक रिव्यू सुन लीजिए, उसके बाद आप उस माइक को ऑर्डर करिए। देखिए, ये माइक वही है जो मैंने हेलमेट में अभी तक लगाया था। ये माइक बहुत अच्छा है, अगर आप कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं या आप कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, तब आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको एक ईयरफोन भी मिल जाता है, जिससे कि आप आवाज़ भी सुन सकते हैं और जो आप बोलेंगे वो इस माइक के थ्रू आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी। लेकिन जब बात आती है मोटो व्लॉगिंग सेटअप की, तो ये माइक एकदम नहीं सही, क्योंकि बहुत सेंसिटिव माइक है और ये सांस तक की आवाज़ आपकी कैप्चर कर लेता है। आप इसको जहाँ प्लेस कर दीजिए हेलमेट में, मैंने अपने हेलमेट में ट्राई किया, एक मित्र की हेलमेट है एक्सोर की, उसमें ट्राई किया, सेम रिज़ल्ट। ये बहुत अच्छा माइक है, लेकिन ये काफ़ी सेंसिटिव है और मोटो ब्लॉगिंग के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा, इसलिए आप इसको इस्तेमाल मत करिए। मैंने खुद इसको हटा दिया और मैंने अपना रियलमी का एक ईयरफोन है, रियलमी बड्स 2, मैंने उसको लगाया हेलमेट में, और जब से मैंने उसको लगाया ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर आवाज़ सामने आ रही है और काफ़ी इंप्रेसिव जो साउंड क्वालिटी है वो 650 रुपये का हेडफोन हमको दे रहा है। तो अगर आपके पास GoPro है तो बात ही दूसरी है, लेकिन अगर GoPro नहीं है, आप भी मेरे तरह से स्मार्टफोन से मोटो ब्लॉग करते हैं, तो मैं सलाह नहीं दूंगा, आप इसको मत लीजिए, मत ऑर्डर करिए। तो अभी मेरा इनिशियल प्लान तो ये बना है कि मैं GoPro तो लेना ही है मुझे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ आप में से अगर कोई एक्शन कैमरा यूज़ करता है तो ये बताइए, ये जो SJ Cam का 8 Pro या 10 Pro है, इसकी क्वालिटी कैसी है? और मैं इसके बारे में यूट्यूब में देख रहा था, तो मुझे अभी भी नहीं क्लियर कि इसकी नॉइज़ रिडक्शन कैसी है, इसको लेकर के नॉइज़ पे सबसे ज़्यादा शिकायत मिली थी, तो अगर कोई यूज़ कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। सो यह गाइस, लास्ट टाइम मेरा जो सेटअप था वो उतना अच्छा नहीं था और बहुत सारे लोगों को लगा भी होगा कि नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो आज मैं एक सेटअप लेके आया हूँ अपना, जहाँ पे मैंने अपने JBL के माइक को रिप्लेस कर दिया है, और JBL के माइक को जिससे रिप्लेस किया है वो है कोई महंगा सेटअप नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक रेडमी का हेडफोन है, आपको दिखाता हूँ। तो बस मैंने ये एक छोटा सा सेटअप किया है, जहाँ पर मैंने अपने JBL के माइक को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आपको पता है ना कि वो काफ़ी सेंसिटिव था, और सेंसिटिव होने के कारण उस माइक से जो आवाज़ है वो काफ़ी सही नहीं आ रही थी, और इसीलिए मैंने आज एक बार फिर से ट्राई किया है। हालांकि ये मेरा टेम्परेरी सेटअप है और ये सिर्फ मेरा चलेगा 25 से 26 तारीख तक, उसके बाद मैं GoPro ले ही लूँगा। तो आज के इस सेटअप का जो मेन मकसद मेरा रहेगा वो ये देखना रहेगा कि ये विंड नॉइज़ को कितना कैप्चर करता है, कितना नहीं करता है, और इसीलिए आज हम हाईवे में फिर से आए हैं। तो आज हम उम्मीद करते हैं आज विंड नॉइज़ नहीं आ रही होगी, क्योंकि इस माइक पे मुझे भरोसा है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते और इसको टेस्ट करना तो बनता ही है। तो चलते हैं, देखते हैं कितना ये काम करता है। हालांकि मैं प्लान तो कर रहा था एक नया माइक, लेकिन ये हेलमेट मुझे लगता है मेरी उतनी विंड को रोक नहीं पाती, और अभी मैंने जो सेटअप किया है ना चिन माउंट, उसकी वजह से मेरा पूरा वाइज़र भी बंद नहीं हो पा रहा है, तो एक ये वो भी रीज़न है। बाकी पूरे इंसुलेशन के बाद जितना मैं कर सकता हूँ उसके बाद तो मुझे काफ़ी कम नॉइज़ मिली है। तो देखते हैं, आप लोग बताइएगा कि मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, आप लोगों का जो रिव्यू है वो भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो बस हाई स्पीड पे मुझे नहीं लगता काम करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है, और मुझसे एक गलती पता क्या हो गई है गाइस, मैंने ऐसे देखो, जब मैं हेलमेट लेने गया था ना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, तो मैंने M साइज़ हेलमेट ली, और इससे होता क्या है ना कि हल्का हल्का जो मेरे कान है वो हेलमेट से थोड़े बाहर रहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि छोटा साइज़ है मेरे लिए। तो अब जब एक्सोर की लूँगा तो वो XL लूँगा या L लूँगा सॉरी, तो उसमें शायद सही रहे। और एक्सोर से अगर मेरे एक दोस्त के पास एक्सोर है, मैंने देखा था, तो कुशनिंग में भी काफ़ी फ़र्क है, जो पैड्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं और काफ़ी अच्छे हैं, और बाकायदा उसमें चिन पे पैड दिए गए हैं, यानी मुँह के सामने भी एक पैड दिया गया है जो कि विंड को रोकता है, तो वो भी एक अलग चीज़ है। हालांकि ये सेटअप काम चलाऊ है, चल रहा है काम, और लास्ट टाइम भी हम यहीं पे आए थे, तो आगे रुक के हम एक बार देखेंगे, पहले ये टोल क्लियर कर लें, टोल प्लाजा, उसके बाद इसको हम आज है। पिछली बार आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 60 तक गया तो इतनी नॉइज़ थी, तो आज मैं इसको इस सेटअप पे 80 तक टच करूँगा और देखूँगा क्या 80 पे भी इतनी नॉइज़ आ रही है या नहीं। मेरा काम टेस्टिंग करना है, और मुझे पता है कि मेरा ये मानना है, एक्चुअली मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है, कि एक नया लड़का, नया काम करने वाला आपको जो कमियां बता सकता है वो एक्सपीरियंस्ड आदमी शायद उतना अच्छे से ना बता पाए, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो नए लोग होते हैं ना, वो ऑलरेडी उस कमियों को फेस कर रहे होते हैं, उन दिक्कतों से वो चार हो रहे होते हैं, तो
ऐसा हमारा मानना है पर्सनली कि वो ज़्यादा अच्छे से आपको कौन कमियों के बारे में बता सकते हैं। तो मेरा भी अब यही कोशिश है, अब मैं इसे हाई स्पीड में टेस्ट करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसा है सेटअप। तो अगर आप भी अभी तक प्लान कर रहे हैं और आपके पास GoPro का बजट नहीं है, महंगी हेलमेट का बजट नहीं है, तो यू कैन ट्राई दिस सेटअप। और ये सेफ्टी के लिहाज से भी काफ़ी सही है, क्योंकि कई बार GoPro ने लोगों को मतलब लोगों की ज़िंदगी बचा ली, आप ये कह सकते हैं। इस तरह के सेटअप ने अक्सर फर्जी केसों से ये बताता रहता है। तो मुझे नहीं पता अभी मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, मैं इसको एक बार हाई स्पीड पे लेके चलता हूँ। चलिए, स्टेबिलिटी नहीं आएगी उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टेबलाइज़ करने का कोई ऑप्शन नहीं है कैमरे में। तो ये रॉ वीडियो है आप जो देख रहे हैं, मैंने इसको स्टेबल भी नहीं किया है। सो लेट्स चेक इट आउट। अभी ओवरटेक करना ठीक रहेगा। हाँ, तो अभी 70, 71, 72, विंड नॉइज़ काफ़ी आ रही होगी ये बात हम मानते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। 77, 80, 83, इतना बहुत यार, इतने में कौन चलाएगा भाई, इतने में कोई नहीं चलाता अपाचे। वो सुपर बाइक तो ये है नहीं कि आपको करनी है, या मुझे ये, मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि आज आप स्टार्ट करेंगे मोटो ब्लॉगिंग तो आप भी किसी ऐसी बाइक से करेंगे, और ऐसा तो है नहीं कि आप 8 लाख की बाइक को लेकर के फिर फ़ोन से मोटो ब्लॉग करेंगे। अब अगर आप 8 लाख की बाइक अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आपके लिए GoPro क्या चीज़ है। ये उन हमारे भाइयों के लिए जो मेरे जैसे हैं, जिनके पास अभी कोई सुपर बाइक नहीं है, वो सिर्फ स्टार्ट करना चाहते हैं मोटो ब्लॉगिंग, तो उनके लिए ये सेटअप काफ़ी अच्छा हो सकता है, जैसा कि मेरे लिए हो रहा है। तो हम यहाँ रुकेंगे थोड़ा दूर और आपको चेक करके बताएंगे इसकी क्वालिटी कैसी है। लास्ट टाइम भी हम यहीं पे रुके थे, यहाँ पे थोड़ा स्टेबलाइज वीडियो नहीं होगी क्योंकि ये ब्रिज काफ़ी उछलता है जब ट्रक चलती हैं। तो बस यहीं रुक के देखते हैं थोड़ा दूर कि ये सेटअप कैसा है, और आई होप कि आवाज़ अच्छी आई हो, मेरी वीडियो ना बर्बाद हुई हो। बहुत दूर आ गए हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कैसा सेटअप है। आदमी मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, भाई तुम भी लगा लो ना गुरु, तुम्हारा ज़रूरी है, तुम बिजनेस वाले हो। ओके, तो लेट्स सी। मुझे तो लगता है मेरा सेटअप सही है, उधर सूरज देवता है, आगे गंगा माता के दर्शन हो रहे हैं, तो अभी तो आवाज़ सही आ रही है। बाकी हाई स्पीड पे मुझे पता था पहले से कि आवाज़ अच्छी नहीं आएगी, तो उसमें कोई आश्चर्यजनक बात भी नहीं है। तो सामने चल रहा है कंस्ट्रक्शन और ये रोड है ब्लॉक, इसका मतलब ये है कि पहले मुझे गाड़ी मोड़नी पड़ेगी और दूसरे रास्ते से लेना पड़ेगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरी जो वीडियो है वो आपके लिए मददगार साबित होती होगी। हालांकि देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे यही कहा था कि संसाधनों की कमी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। अगर मान लिया अभी हमारे पास एक्शन कैमरे नहीं है, तो ऐसा भी तो नहीं है कि हमेशा आएंगे नहीं, कभी ना कभी तो वो चीज़ आएंगी। तो जब तक नहीं आती है ना, तो खुद को रोके क्यों। देखिए, अब मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि हम इंडियंस के अंदर एक बड़ी गंदी चीज़ देखने को मिलती है, वो है ज़रूरत से ज़्यादा शर्म। हम शर्माते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। अरे यार देखो, लाइफ अपनी है, जो लोग आज तुमको उल्टा सीधा बोलेंगे, कल यही तुम्हारी तारीफ करेंगे, यही तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए खड़े रहेंगे। इसलिए कभी शर्म को सपने के बीच में मत आने दो। मेरा ये मानना है कि कभी भी किसी भी काम को करने में शर्माना नहीं चाहिए। क्या मुझे शर्म नहीं, आपको क्या लगता है हमें शर्म नहीं आती होगी, या कोई भी मोटो ब्लॉगर जो शुरू कर रहा है, जिसके पास एक्शन कैम नहीं है, जो GoPro अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या उसको शर्म नहीं आती होगी। ज़रूर आती है। तो इस पतले रास्ते से चलेंगे, देखते हैं ये भैया हमको कहाँ तक ले जाते हैं। फर्स्ट टाइम हम इधर से आ रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की तो हम उम्मीद कर ही नहीं सकते, और यहाँ पे हाई स्पीड में भी हम नहीं चलेंगे। ये गंगा ब्रिज है और काफ़ी बड़ा है, तो बस वही बात है दोस्तों कि शर्माना नहीं चाहिए कभी भी। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम पत्थर से बने, हमको नहीं आती होगी, आती है बेशक, आती है, हम भी इंसान हैं, लेकिन शर्म को सपने के बीच में नहीं आने देते, बस इतना फ़र्क है। बाकी जो लोग हमें जानते हैं, मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ YouTube में, आज तक चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन आज देखिए ये सब कर ही तो रहा हूँ। तो अब पता चल गया होगा कि मोटो ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं फ़ोन से, उसमें ऐसा सब कुछ बड़ी छुपी बात नहीं है, आराम से की जा सकती है और लोग करते भी हैं। यार गंगा जी में पानी नहीं आ रहा दोस्त, यहाँ पूरा जो है जुलाई आ गया, आधा जुलाई निकल रहा है और गंगा जी में पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, तो रोड बन रही है, ये कारण है, रोड ब्लॉक है, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो रोड बनाई जा रही है। यार मुझे बड़ा डर लग रहा है इस रास्ते में, कसम से पुल इतना हिल रहा है, एकदम हरा हरा पानी दिख रहा है गंगा जी का।
मुझे नहीं पता आपको दिख रही या नहीं, लेकिन सामने गंगा जी ही हैं, उधर पक्षी उड़ रहा है, बीच में टीला जैसे बैठे, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इतना देखने में कितनी छोटी लग रही है, पर यहीं नीचे उतर जाओ अगर तो खूब चौड़ी दिखेंगी। लेकिन गंगा जी का पानी कम हो रहा है, उल्टा बढ़ा नहीं है। आमतौर पर जुलाई उलाई में पानी बरस जाता है और ये पूरी भर जाती हैं, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं। चलिए फिर, आई होप कि ये वीडियो मेरी सही थी और ऑडियो सही आई होगी। कुछ लंबी जर्नी करते हैं, लोगों का रिएक्शन काफ़ी अच्छा रहता है एक्चुअली देखने में, क्योंकि लोगों के सामने कभी ये चीज़ हुई नहीं होती है ना। तो अभी भैया एक मोटरसाइकिल वाले जा रहे थे, तो वो देख रहे थे यार हेलमेट में क्या लगा है। यकीन बता रहा हूँ कि मैं गांव में रहता हूँ ना, तो गांव में आदमी मोटो ब्लॉगिंग क्या है नहीं जानते, उनको ब्लॉगिंग ही नहीं पता। तो कई बार मुझसे पूछते भी है यार ये हेलमेट में क्या लगाए हो, एक्चुअली जो चिन माउंट लगाए तो मैं उसको खोलता नहीं हूँ, क्या बार बार खोला जाए। तो उस चिन माउंट को लेकर के लोग मुझसे बार बार यही पूछते भैया ये क्या लगाए हैं, जो आप चिन माउंट को लेकर के बार बार यही पूछते हैं कि क्या लगाए हैं। तो मैं बता नहीं पाता, एक्चुअली लड़का लिफ्ट मांग रहा था, अब हमें यहीं आगे से वापस हो जाना है, तो क्या लिफ्ट दिया जाए उतनी दूर के लिए, घाम में फिर खड़े हो जाएंगे या जा करके। सामने यहाँ पे एक कट है, वहीं से निकल आएंगे। तो लोगों को पहले समझाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है। अब हमारे कुछ मित्र हैं वो फैमिली को ही बताने में शर्मा रहे हैं, काम करना है, फैमिली वाले बोल रहे हैं कोई फ्यूचर नहीं है। हम कहे पहले भैया कन्विंस तो करो उनको, किसी काम को पहले कन्विंस तो करो, इस काम के लिए उनको बताओ तो तुम वो काम करना चाहते हो। तो लास्ट टाइम यहीं पर ट्रक पलटी थी जो कि अब हट चुकी है, आपने देखा होगा व्लॉग में। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके दोस्तों कि कैसा रहा ये वीडियो, क्या ऑडियो में कोई इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिली, और मुझे यही सेटअप लेके चलना चाहिए या नहीं, क्योंकि चित्रकूट में इसी सेटअप को लेकर के जाऊंगा जो मैंने लगाया हुआ है, चित्रकूट में कोई नया सेटअप नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही वीडियो में। दोस्तों कल मैंने आपसे कहा था कि JBL का माइक मत लीजिए, जी हाँ वास्तव में उसको मत लीजिए, वो किसी काम का नहीं है, बहुत ओवर सेंसिटिव माइक है, आप सांस भी लेंगे तो वो भी आ जाएगा आपके ऑडियो में, तो वो नहीं सही है। मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि सैमसंग के जो ईयरफोन होते हैं या रियलमी का कोई भी ईयरफोन, खासकर अगर आपके पास बड्स 2 है तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, अब यहाँ रुक के हम अपना सेटअप कर लेते हैं चेंज, फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, जय श्री राम। सो गाइस, कल आपने देखा कि मैंने अपने मोटो ब्लॉगिंग इस फ़ोन से ही करी है। तो फाइनली मैं कुछ अपने पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप भी फ़ोन से मोटो ब्लॉग करना चाहते हैं तो कौन कौन सी दिक्कतें आपको फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। हालांकि ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है और जो मैंने फ़ेस किया है मैं वही बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने फ़ेस किया है वो आपके साथ भी हो। सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे फ़ेस करने को मिली वो था, अब फ़ोन मेरा तकरीबन 200 ग्राम से ज़्यादा भारी है, तो जब मैं उसको हेलमेट में आके माउंट कर रहा था तो मेरा हेलमेट आगे से काफ़ी भारी था। तो अगर आपका फ़ोन भी 200 ग्राम से ज़्यादा भारी है और आप थोड़ा लूज़ हेलमेट पहनते हैं तो पूरे चांसेस हैं कि आपका जो हेलमेट हल्का आगे झुका रहेगा और बार बार आपको जो एंगल है वो फिक्स करना पड़ेगा। तो बस यही एक कमी मुझे समझ में आई मोटो ब्लॉग करते समय फ़ोन से, बाकी कोई दिक्कत ऐसा सच नहीं है। और मैंने आपको मोटो ब्लॉग के दौरान ही बताया था कि अगर आपके फ़ोन में स्टेबलाइज करने का ऑप्शन है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मेरे फ़ोन में ऐसा स्टेबलाइज करने का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हल्की शेकी निशा आपको देखने को मिली होगी। तो अगर आपका बजट नहीं है, आप GoPro अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो स्मार्टफोन एक बेस्ट ऑप्शन है यार। शर्माने की बात अगर आपके अंदर नहीं है, आप शर्माते नहीं हैं फालतू में, तो आपको कोई दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, एक बेस्ट ऑप्शन है। और मैं अभी तक सोच रहा था शाम तक कि SJ Cam 6 ले लूँ काम चलाने के लिए, पर बाद में हम पता किए तो हमारे कई मित्र बोलने हैं कि यार बार बार इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है वन टाइम इन्वेस्टमेंट GoPro में ही करो, अगर नहीं बजट है तो एक महीने रुक जाओ, GoPro 8 ले लो, वो हमेशा काम करेगा। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि SJ Cam ना लूँ और सीधा मैं GoPro 8 ही लूँ, जब तक नहीं चलता काम मैं अपने इसी फ़ोन से चलाता हूँ। फिलहाल कल निकलना है चित्रकूट के लिए, तो अभी उसकी तैयारी भी करनी है। तो आइए आज आपको मैं अपनी हेलमेट, अभी मैंने पूरा निकाल दिया है पूरे माउंट ऑन, तो मैं भी आपको लगा के दिखा दूंगा कैसे मैंने जुगाड़ किया था, ताकि आपको भी आइडिया मिल जाए कि मैं कैसे करता हूँ। तो आई होप आपकी आज की वीडियो काफ़ी आपके लिए मददगार साबित रही होगी। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।